अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी बस्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी बस्ट को समझने के लिए पहले हमें इससे पहले एक और चीज़ समझनी है जो कि जिसे हम बोलते हैं HM पेशेंट। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी बस्ट में ये चीज़ें सारी, ये रेस्पिरेटरी बस्ट की चीज़ें यूज़ होगी, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे तो इनशाला ईजिली हमें समझ आ जाएगा। लफ्ज है हमारे पास जो आज हमने पढ़ना है, HMP शंट। HMP शंट, जिसको HMP शंट बोलते हैं, एच से हो गया हेक्सोज, MP से हो गया मोनोफास्फेट। हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे इसको बोलते हैं, और इसको पेंटोज फास्फेट पाथवे शंट भी बोलते होते हैं। दो नाम इसको बोलते हैं, एक इससे हेक्सोज मोनोफास्फेट मोनोफास्फेट शंट पाथवे बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे शंट भी बोलते होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस का पैरेलल होता है। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है? ये पैरेलल होता है। ठीक है, उसी की तरह चलता है। ठीक है, और उसी की तरह सब कुछ इसके फंक्शन होते हैं। इसके ना लास्ट में पेंटोज शुगर बनती है। क्या बनती है? पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर बनने की वजह से इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? पेंटोज फास्फेट पाथवे। क्या बोलते हैं? पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो इसके कितने नाम है? HMP शंट, किसको बोलते हैं? हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे, एक ये हो गया। दूसरा इसको बोलते हैं पेंटोज पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पेंटोज शुगर बनती है। और इसके अलावा हमने कहा कि ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट करूं इन दो तीन चीजों को? ये समझ आ गई है। चले आज हम अब हम पढ़ते हैं कि ये HMS यानी HMP शंट, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह इसको हम बायोकैम में देखेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो HMP शंट, ठीक है, इसके फंक्शन देखते हैं। अगर आपका HMP शंट हो रहा हो लिवर में, तो HMP शंट क्या होता है और वहां पर ये कैसे होता है? अगर ये लिवर में हो रहा हो तो HMP शंट क्या होता है? HMP शंट, ये देखिए, HMP शंट ये होता है कि आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर आपका ये एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो इसके नतीजे में बन जाएगी पेंटोज फास्फेट्स, पेंटोज शुगर प्लस जो फास्फेट्स होते हैं। याद है आपको जो एक न्यूक्लियोटाइड बनता था वो किस तरह बनता था? न्यूक्लियोटाइड कि यहाँ पर उसकी क्या होती है? एक पेंटोज शुगर होती है, और यहाँ पर नंबर 1 पर उसकी नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, और यहाँ पर नंबर 5 पर उसके फास्फेट लगे होते हैं। याद है ये बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट? ठीक है, तो ये देखें, इसको पेंटोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। इधर ऑक्सीजन हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5, इसके ऊपर 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज। ये पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड की उसमें चली जाती है ये, मतलब सैक्राइड्स होती हैं ये इसके ऊपर रिबोज शुगर होगी, 1 पे नाइट्रोजनस बेस होगी और 3 पे फास्फेट होगी। तो यहां पर वो क्या कह रहा है? इसको क्या बना रहा है? पेंटोज फास्फेट यानी पेंटोज होगी, शुगर होगी और फास्फेट, ये दो चीजें इसमें ये बनेगी। ठीक है, क्या कहता है वो कहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो एक तो वो टूट जाएगा पेंटोज फास्फेट में, और पेंटोज फास्फेट में आपकी ये रिबोज शुगर आ जाएगी। ठीक है, और आपके ये फास्फेट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कहता है क्या बनता है आपका? NADPH, साथ में ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। बाई प्रोडक्ट समझते होते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है, तो साथ में NADPH बनता है। अब NADPH अगर ये लिवर में हो रही हो, HMP शंट कहां हो रही हो? लिवर में, तो आपका जो NADPH बना है इसके ये वाले फंक्शन होते हैं। ये बायोसिंथेसिस कराता है फैटी एसिड्स की, बायोसिंथेसिस कराता है कोलेस्ट्रॉल की, और बायोसिंथेसिस कराता है न्यूक्लियोटाइड्स की। ये न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है ना, तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड की क्या कराता है? ये सिंथेसिस कराता होता है, उसको बनाता होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपका HMP शंट लिवर में हो रहा है इस वक्त, जब ये लिवर में होता है तो बेसिकली HMP शंट होता यही है। HMP शंट यही होता है कि आपका क्या होगा, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा, अब ठीक है। HMP शंट होता ही है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट
के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और वो दो चीजों में बन जाएगा, एक पेंटोज फास्फेट्स में, दूसरा NADPH में। NADPH पेंटोज फास्फेट ये बनाने के काम आता है रेबोज शुगर और फास्फेट्स, जबकि आपके NADPH अगर लिवर के अंदर HMP शंट हो रहा हो तो वो क्या बनाता है, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और अगर आपका यही HMP शंट अब हो रहा है आपके न्यूट्रोफिल के अंदर, कहां हो रहा है, न्यूट्रोफिल के अंदर, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है भाई ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, NADPH और दूसरा पेंटोज फास्फेट। पेंटोज फास्फेट किस में काम आएंगे, आपकी रेबोज और फास्फेट बनाने में, लेकिन यहां पर जो NADPH है वो इसमें नहीं रोल किरदार अदा करेगा बल्कि वो रिस्पिरेटरी बस्ट में रोल किरदार अदा करेगा। किसमें, रिस्पिरेटरी बस्ट क्या होती है, ऑक्सीडेटिव बस्ट होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेटिव बस्ट होती है ये। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करेगा, पैथोजेंस की ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव बस्ट या फिर इसे रिस्पिरेटरी बस्ट बोलते होते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो HMP शंट हो रहा है उसका NADPH यूज हो रहा है ऑक्सीडेटिव बस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी बस्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, वो कैसे यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, एक आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, ये याद कर ले आप। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहां पर अभी, न्यूट्रोफिल, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि आपका वही सेम प्रोसेस होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, पेंटोज फास्फेट और दूसरा क्या बनेगा, NADPH। अगर अब ये NADPH आपके लिवर में था तो ये चीजें बना रहा था, लेकिन अगर ये न्यूट्रोफिल के अंदर है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव बस्ट कराएगा। ऑक्सीडेटिव बस्ट होती है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग ऑफ पैथोजेंस, यानी पैथोजेंस किल हो रहे होंगे लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हुए, वहां पर ऑक्सीजन नीड होगी, या फिर इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है। ठीक है, अब जो चीजें बता रहा हूं आपने वो याद कर लेनी है, इसको जरा ये स्टोरी की शक्ल में, कि ऑक्सीजन O2 चेंज होती है ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में, किसमें, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में, किसकी मदद से, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, ऑक्सीजन के अंदर उसको चेंज कर देगा सुपर ऑक्साइड में, और यहां पर कोफैक्टर यूज होता है NADPH, क्या यूज होता है, NADPH, और ये NADPH कहां से आया, ये वाला आपका NADPH, ये वाला जो HMP शंट में बन रहा है, ये वाला NADPH यहां पे एज ए कोफैक्टर यूज होगा और आपकी ऑक्सीजन चेंज हो जाएगी सुपर ऑक्साइड में। अब आपकी यही सुपर ऑक्साइड चेंज होंगे आगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, लेकिन यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एंजाइम कौन सा होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये एंजाइम के नाम आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम है जो आपके सुपर ऑक्साइड को चेंज करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, वो कौन सा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब आपका यही H2O2 मजीद चेंज होगा, ये मिलेगा Cl के साथ, किसके साथ, Cl के साथ, यहां से क्लोराइड आयन आएगा तो ये बन जाएगा HOCl, क्या बन जाएगा, HOCl, सॉरी जोर से पूछे, मास्क उतार दे, चले जी, H2O2 के साथ मिल जाएगा आपका क्लोराइड आयन और ये क्या बन जाएगा, HOCl। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं माइलो डिसम्यूटेज नहीं होता, कौन सा एंजाइम होता है, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होगा, कौन सा एंजाइम यूज होगा, माइलो पर ऑक्सीडेज। अब जो आपका ये HOCl बना है ये जाके आपके पैथोजन की क्या करेगा, किलिंग करेगा, पैथोजन की क्या करेगा, किलिंग। तो देखें ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है कि नहीं है, ये शुरू से देखें ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है कि नहीं है, कैसे होती है कि आपकी ऑक्सीजन के ऊपर आपका NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगा, लेकिन इसको एज ए कोफैक्टर क्या चाहिए, NADPH।
NADPH ये क्या बन जाएगा, NADPH कोफैक्टर और NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम के मतलब ये बन जाएगा सुपर ऑक्साइड। अब इस सुपर ऑक्साइड के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, सुपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलेगा आपका क्लोराइड और क्लोराइड के इसके ऊपर एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा माइलो परऑक्सीडेज, तो ये क्या बन जाएगा HOCl। अब ये HOCl किस में यूज होगा आपकी पैथोजेंस की किलिंग में यूज होगा, समझ आ गया, मैं इसको साफ कर रहा हूं ठीक है। अब हम इस डायग्राम जो बनी हुई है उसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या था डायग्राम में देखते हैं ठीक है। चले ये डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखें जरा, ये देखें क्या हो रहा है कि आपकी ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन से क्या बन गई सुपर ऑक्साइड बन गया ठीक है। यहां पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, यहां पर कौन सा NADPH ऑक्सीडेज और कोफैक्टर क्या यूज होता है NADPH कोफैक्टर यूज होगा और एंजाइम कौन सा होगा NADPH ऑक्सीडेज। इसको लाजमी याद रखना, ये वाला एंजाइम और ये वाला कोफैक्टर नहीं भूलना ठीक है, बाकी भूल जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये अगर भूल गया तो बहुत बड़ा इशू है। तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि एंजाइम कौन सा होता है NADPH ऑक्सीडेज और कोफैक्टर क्या होता है NADPH, और ये कोफैक्टर कहां से आ रहा है आपके HMP शंट से आ रहा है ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा उसके बाद आपका सुपर ऑक्साइड किस में जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, कौन से एंजाइम की मदद से सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की मदद से, ये H2O में चला जाएगा। अब H2O के साथ क्या आके मिलेगा आपका क्लोराइड और एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा माइलो पर ऑक्सीडेज, तो क्या बन जाएगा आपका HOCl जो कि यहां पर नहीं लिखा गया, HOCl जाके किस किलिंग करता है इस बैक्टीरिया की किलिंग कर देता है। तो ये आपको समझ आ गया कि न्यूट्रोफिल के अंदर HMP शंट ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या ये चीजें कैसे होती है। अच्छा अगर आपका ये नहीं बन रहा, आपका ये नहीं बन रहा, आपका क्या नहीं बन रहा, आपका NADPH नहीं बन रहा, HMP शंट आपका न्यूट्रोफिल के अंदर काम नहीं कर रहा, HMP शंट काम नहीं कर रहा तो क्या नहीं बनेगा आपका NADPH बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। जब NADPH नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में जाने के लिए किसकी जरूरत होती है NADPH एज ए कोफैक्टर जरूरत होती है, जब कोफैक्टर नहीं होगा तो क्या सुपर ऑक्साइड बनेगा, जब सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये किलिंग होगी नहीं होगी। तो इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर NADPH मिसिंग है तो किलिंग नहीं हो रही है, या फिर आपका ये जो जीन है ये डिफेक्ट है NADPH ऑक्सीडेज, जब NADPH ऑक्सीडेज जीन डिफेक्ट होगा क्या ऑक्सीजन O2 में जाएगी, नहीं जाएगी, ये बनेगा, ये सारा प्रोसेस फिर से नहीं होगा। तो इस सूरत में बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होगी, बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे और डिजीज होती है जिसका नाम है डिफेक्टिव इन CGD क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, ग्रेनुलोमेटस डिजीज, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो जाती है आपको। और ये कैसी होती है इसको डिटेल में हम आगे जाके अभी ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या रेस्पिरेटरी बर्स्ट में वो डिटेल में हम लोग देखते हैं। इंजाइम प्रोटीन्स होती हैं, ये तो आपको पता है, और प्रोटीन कौन बनाते हैं जीन बनाते हैं, मतलब अगर NADPH का जीन है उसमें अगर डिफेक्ट होगा तो आपके इंजाइम में डिफेक्ट होगा, जब इंजाइम में डिफेक्ट होगा तो आपका ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, तो आपका ये सारा मसला हो जाएगा। तो लीवर में और न्यूट्रोफिल में जो इसका रोल होता है HMP शंट, समझ आ गया है, पक्की बात है, आगे बढ़े हम लोग, मैं देख लूं कि कोई चीज रह ना गई हो ठीक है, मेरे ख्याल में हो गई। अब हम देखते हैं कि HMP शंट इन RBCs, कि RBCs के अंदर HMP शंट का क्या रोल होता है, अब हम वहां पे देखते हैं। चले जी यहां से देखते हैं इसको, देखें अगर अगर कोई बंद किसी बंदे को जो है ना, कोई बंदा जो है ना क्या लेता है ऑक्सीडेंट स्ट्रेस लेता है, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस क्या होता है कि आपने क्या लिया, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने कोई ड्रग्स लिए जैसा कि फेवाबीन्स ड्रग्स लिए आपने, इस तरह के कोई आप ड्रग्स लिए तो आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने क्या करना होता है न्यूट्रलाइज करना होता है किस फॉर्म में H2O की फॉर्म, किस फॉर्म में H2O की फॉर्म में हमने न्यूट्रलाइज करना होता है। और इसके साथ साथ अगर ये न्यूट्रलाइज ना हो H2O की फॉर्म में न्यूट्रलाइज ना हो तो ये हमारी बॉडी में क्या कर जाता है अकुमुलेट कर जाता है, और अगर अकुमुलेट करता है तो ये सारी यानी कि नुकसान करेगा, पैथोलॉजी करेगा। अब इसको हम देखते हैं कि ये पैथोलॉजी कैसी होती है, क्या होती है, लेकिन अभी देख लें कि ये इसको न्यूट्रलाइज कैसे करता है, इसको न्यूट्रलाइज कैसे करता है।
ठीक है। अब ऑक्सीडेंट स्ट्रेस लिया हमने, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, भला ना करे हमने इन्फेक्शन हो गया, या फिर हमने कोई ड्रग्स लिया, फावापीन ड्रग्स जो है ना वो हमने इजाफी एक्स्ट्रा ले लिए, उनके साइड इफेक्ट्स हुए कि H2O जो है ना वो बढ़ गया है। अब हमने इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज आपके इसी H2O2 को किस में चेंज कर देता है, H2O में, लेकिन ऐसा तो चेंज नहीं कर देता, वो कहता है मैं कुछ ना कुछ लूंगा। वो कहता है मुझे क्या चाहिए, वो कहता है मेरी एक शर्त है कि मैं इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म लूंगा। किसकी, मैं ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड फॉर्म लूंगा, मुझे ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए। वो कहता है ठीक है जी, आप रिड्यूस्ड फॉर्म ले लो। ये रिड्यूस्ड इधर से रिड्यूस्ड फॉर्म लेता है, ठीक है, और इधर से H2O2 लेता है, तो क्या बना देता है, H2O, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। जब आपकी ये रिड्यूस्ड फॉर्म यूज हो जाती है, क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड फॉर्म यूज हो जाती है, तो ये फिर क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। केमिस्ट्री का कंसेप्ट आपको पता होगा, जब कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है इट डज मीन दैट कि वो ऑक्सीजन को गेन कर रही है। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली इसके पीछे क्या प्रोसेस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और आपकी रिडक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम यानी डिक्रीज कर लॉस कर रहे हैं और इसमें ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, या फिर रिडक्शन होती है गेन ऑफ एच पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना वो गेन होता है। ये तो पता है केमिस्ट्री का कंसेप्ट, सिंपल सा है, इसको माइंड में रखना है आपने। बेसिकली होता क्या है, आपका जो ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज होता है, ये वाला ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, ये H2O2 को पकड़ता है और इधर से रिड्यूस्ड फॉर्म को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, रिड्यूस्ड फॉर्म ग्लूटाथायोन की, ठीक है, इन दोनों को पकड़ता है, और इसका जो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है H2O2, दो ऑक्सीजन है, यहां से एक ऑक्सीजन लेके किसको दे देता है, इसको दे देता है। जब ये ऑक्सीजन गेन करेगा इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब ये जब ऑक्सीडेशन हो गया तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। अब इसका जो इजाफी ऑक्सीजन था ये ले गया रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन ने इसका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, इधर से क्या बन गया, H2O बन गया। तो इस तरह आपका ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज काम करता है। अब ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद आपको दोबारा अगर स्ट्रेस आ रहे हैं तो ये H2O2 दोबारा बनेगा, इसको दोबारा काम करना है, इसको दोबारा काम करने के लिए रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए है, लेकिन अब रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है, वो कहां चली गई है, आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चली गई है। तो क्या होगा, अब ऊपर से आपका क्या आता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या था, परऑक्सीडेज, ये क्या आएगा, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करेगा, वो कहेगा मैंने तुम्हारी क्या करानी है, रिडक्शन करानी है, ताकि तुम दोबारा क्या बन जाओ, रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाओ। वो कहता है ठीक है जी, आप मेरी करा दें रिडक्शन, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं दोबारा अवेल हो सकूं, खिदमत कर सकूं ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज की। वो कहता है कि कैसे करोगे तुम मेरी रिडक्शन, वो कहता है HMP शंट की तरफ चले जाओ। किस तरफ, HMP शंट की तरफ चले जाओ। HMP शंट में क्या बनता था, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा, पेंटोज फास्फेट, और क्या बनेगी, NADPH। वो कहता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज कहता है मैं NADPH से H ले लूंगा, क्या ले लूंगा, H ले लूंगा, और मैं H इसको दे देता हूं, H इसको दे देता हूं, गेन ऑफ H पॉजिटिव इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपका जो ऑक्सीडाइज था ये क्या चला जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा, रिड्यूस्ड। तो ये देखें, ये पीछे NADP पॉजिटिव रह गया, आपका H यहां से मिसिंग हो गया, H इसको मिल गया। अब ये दोबारा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, कहता है कि सरकार मैं दोबारा हाजिर हूं, मुझे दोबारा काम बताएं। ये दोबारा H2O2 आएगा, ये ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज इसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, और यहां से क्या बना देगा, H2O बना देगा। समझ आ गई है, पक्की बात है, रिपीट करूं मैं इसको, रिपीट करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। चले जी, अगर 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 ये आपका H2O2 हो जाए अकुमुलेट, ये अकुमुलेट हो रहा है, इसको हम इधर नहीं जाने दे रहे कि आपका नॉर्मल H2O नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा, ये अकुमुलेट, जब ये अकुमुलेट होगा ये करेगा हीमोग्लोबिन डीनेचुरेशन। क्या करेगा, हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन टूट फूट जाएगी, उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी। ये देखें, ये सिंपल हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर H2O2 अकुमुलेट हुआ, ठीक है, इसने जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो आपकी हीमोग्लोबिन पहली बात तो टूट फूट जाती है, दूसरी बात
एक हीमोग्लोबन, दूसरा हीमोग्लोबन, तीसरा हीमोग्लोबन, ये डाइसल्फाइड बांड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह डाइसल्फाइड बांड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो इसको कहते हैं हेंज बॉडीज। क्या कहते हैं? हेंज बॉडीज। तो पहली बात कि H2O जब इकट्ठा हुआ उसने डीनेचुरेशन कर दी आपकी हीमोग्लोबिन की और उसको क्या बना दिया? हेंज बॉडीज बना दिया, मतलब उनको क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया डाइसल्फाइड बांड के जरिए, जो आपकी डीनेचुरल हीमोग्लोबिन थे वो इकट्ठे के साथ मिल गए तो क्या बन गई आपकी? हेंज बॉडीज बन गई। समझ आ गया? और दूसरा क्या होता है कि आपकी मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, यही H2O2 जाते हैं आपके, हम क्या पढ़ रहे हैं? आरबीसीज पढ़ रहे हैं, रिमेंबर आरबीसीज, रिमेंबर आरबीसीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर जाएगा, उनको डैमेज करेगा, तो आपके आरबीसीज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, आरबीसीज की टूट फूट हो जाएगी, ये टूट जाएंगे, इसकी हीमोलाइसिस हो जाएगी, ये कम हो जाएंगे, इसे बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आपके ब्लड में जो आरबीसीज है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बहुत डिक्रीज हो जाएंगे। समझ आ गई ये बात कि ये अगर H2O2 एक्युमुलेट हो जाए तो क्या होगा? आपको हीमोग्लोबिन डिनेचुरेशन हो जाएगी, हेंज बॉडीज बन जाएंगी और मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आपके आरबीसीज क्या पड़ जाएंगे? कम पड़ जाएंगे आपके ब्लड में। अच्छा, ये कैसे होता है? ये होता बेसिकली कैसे है? ये क्यों क्यों ये एक्युमुलेट हो जाता है? इसको तो हमने क्या कहा था कि ये तो नॉर्मलाइज हो जाता है, ये कम क्यों पड़ जाता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? फेवाबीन ड्रग्स यूज करते हैं तो क्या आपका H2O बन जाता है? लेकिन इस H2O को हम कहां लेके जा रहे हैं? तो ये H2O में क्यों नहीं जाएगा? क्यों ये एक्युमुलेट करेगा? इसको ये H2O में क्यों नहीं जा रहा? नहीं, प्रॉपर काम नहीं काम कर रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद काम नहीं कर रहा, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। क्यों क्यों नहीं कर? देखे इधर से, देखे इधर शुरू से, HMP शंट, हमने HMP शंट पढ़ा है, मसला HMP शंट में होगा। HMP शंट में आपको ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम पड़ जाएगा कम। ये जैसे ही कम होगा तो आपका NADPH जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? कम। जब ये कम होगा तो एक बार तो ये यूटिलाइज हो गया था ऑक्सीडाइज। अब इधर ये कम पड़ गया है लेकिन इसको काम करने के लिए इसकी जरूरत है लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका NADPH नहीं है। NADPH होगा तो इसकी रिडक्शन करेगा ग्लूटाथाइन रिडक्टेज और क्या बनाएगा? ये कांसेप्ट समझ आ रहा है? समझ आ रही है ये बात कि आपका NADPH होगा तो ग्लूटाथाइन रिडक्टेज इसकी रिडक्शन करके दोबारा रिड्यूस फॉर्म बनाएगा। जबकि आपका NADPH भी नहीं बन रहा, HMP शंट सही तरह काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्या ये प्रॉपर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब आपका H2O2 इसमें नहीं जा रहा और H2O2 क्या हो रहा है? एक्युमुलेट हो रहा है। जब एक्युमुलेट होगा तो ये वाली डिजीजेस काज करा देगा। समझ आ गया? अच्छा, ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की वजह से ही सिर्फ H2O2 इकट्ठा नहीं हो जाता, और भी रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन Fe+2 की फॉर्म में है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ठीक है। इसके ऊपर रिडक्टेज ने काम किया, मेथोहीमोग्लोबिन रिडक्टेज ने काम किया, क्या काम किया कि इसकी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करा दी। ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव। तो रिडक्टेज इसकी क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन, ये अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये दोबारा ये आपकी ऑक्सीजन किस में जा रही है? ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में जा रही है, याद करें। ऑक्सीजन क्या बन रहे हैं? सुपर ऑक्साइड। एंजाइम कौन सा काम करेगा? NADPH ऑक्सीडेज काम करता था, अब ये सुपर ऑक्साइड दोबारा किस में जा सकता है? H2O2 में। एंजाइम काम करेगा कौन सा? सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूटेज काम करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? H2O2। तो इस तरह भी आपका H2O2 एक्युमुलेट हो सकता है। ये तो ऑक्सीजन हमें मिली थी हीमोग्लोबिन से, ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट स्ट्रेस से, और ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस भी ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाती है? H2O2 में, ठीक है, कहीं से नहीं चेंज हो गई। तो ये सारा हो सकता है। समझ आ गया ये आपको? HMP शंट समझ आ गया है? HMP शंट पहले हमने लिवर में पढ़ा, फिर हमने न्यूट्रोफिल में पढ़ा, फिर हमने आरबीसीज में पढ़ा, अब हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव किलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि ये हमारी यहाँ पर छुपी हुई है, ठीक है। अब एक सेकेंड देखने देखिए, कोई चीज रह ना गई हो। अच्छा, क्या होता है बेसिकली? ये आपका समझ लें कि ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये बाहर इसका सारा सेल समझ लें, और सेल के अंदर ये जो बना हुआ है, ये जो डायग्राम बुक के अंदर बनी हुई है, ये है फेगोलाइसोसोम। क्या है फेगोलाइसोसोम? क्या होता है फेगोलाइसोसोम? क्या होता है? क्या करता है फेगोसाइटोसिस? कैसे करता है?
देखें बाहर कोई पैथोजन था, ठीक है, ये जैसे ही अदर इंटर होगा इसको आप क्या कहेंगे, फेगोसोम कहेंगे, ठीक है। अब फेगोसोम के साथ क्या आके मिलता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम आएगा इस फेगोसोम के साथ मिल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, फेगो लाइसोसोम कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, ये तो एफएससी वाला कंसेप्ट है। चलें कोई नहीं, जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या पैथोजन आता है, जब अंदर दाखिल हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं इसको, फेगोसोम। फेगोसोम जब लाइसोसोम के साथ मिलता है तो क्या बन गया, फेगो लाइसोसोम। अभी हम जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट या ऑक्सीडेटिव बर्स्ट पढ़ेंगे, यह सारा प्रोसेस कहाँ होगा, फेगो लाइसोसोम के अंदर, सेल के अंदर, सेल के फेगो लाइसोसोम के अंदर। और सेल कौन सा है, न्यूट्रोफिल है। कौन सा है, न्यूट्रोफिल। सिर्फ आपके मैक्रोफेजेस किसी चीज को इंगल्फ नहीं करते, आपके न्यूट्रोफिल भी क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं पैथोजन को, और इंगल्फ करके उसकी ऑक्सीडेटिव किलिंग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। और जो किलिंग हो रही है वो फेगोलाइसोसोम के अंदर हो रही है, किसके फेगोलाइसोसोम के अंदर, न्यूट्रोफिल के फेगोलाइसोसोम के अंदर हो रही है। और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इसको हम अभी देखते हैं, ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। ये यहाँ पे आ जाए, डायग्राम के ऊपर आ जाए। देखिए ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन को वो किस में चेंज करता है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में, किसकी मदद से, NADPH। ये नंबर वन पे कौन सा एंजाइम लिखा हुआ है, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। को फैक्टर क्या यूज होता है, NADPH। और NADPH हम कहां से लेते थे, HMP शंट से, इसीलिए मैंने आपको HMP शंट पढ़ाया, ठीक है। HMP शंट से हम क्या लेते हैं, NADPH लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, एक सेकेंड में कॉल सुन, अस्सलाम वालेकुम मैम, जस्ट अ सेकेंड, पैसे आने मेरे अकाउंट में, तो मैं अपना अकाउंट भर भेज दू, है भेज दू, कोई मसला नहीं। ओए चलें जी, अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, 4-5 हज़ार डॉलर हैं। चलें जी वापस आ जाए, वापस आ जाए स्टडी पे। चलें जी, हमने कहा कि ऑक्सीजन किस में चेंज होती है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, NADPH ऑक्सीडेज। और एज ए कोफैक्टर क्या यूज होता है, जो हम कहां से लेते थे, HMP शंट से लेते थे। अब आपका ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के ऊपर एंजाइम 2 एक्ट करेगा, कौन सा एंजाइम था, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये इसको चेंज कर देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड में अभी इन तीरों को भूल जाए, इनको भूल जाए, अगर इनको याद रखा तो ये तीर आपको घुस सकते हैं आपके सीने में, ठीक है, इनको भूल जाए। अब इधर देखें, H2O2 के ऊपर कौन सा एंजाइम ऐड करता था, नंबर 3 माइलो परऑक्सीडेज एंजाइम, और इसको किस में चेंज कर देता था, और साथ में क्या मिलता था आपका, क्लोरीन आइन आपका आके मिलता था। तो HOCl क्या करता था, आपके बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता था, और इसकी क्या करता था, किलिंग कर देता था। ये वो सिंपल सा प्रोसेस है जो हम अभी तक पढ़ते आए, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका HMP शंट काम नहीं कर रहा, HMP शंट काम नहीं कर रहा, तो क्या आपका ये बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका ये नहीं बनेगा, आपका ये काम नहीं करेगा, तो ये नहीं बनेगा, तो क्या ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो नीचे वाला प्रोसेस होगा, नहीं होगा। लेकिन न्यूट्रोफिल भी कुछ ज्यादा ही शाना होता है, ठीक है, वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, अगर आपका जो है ना वो शंट खराब हो चुका है, NADPH नहीं बन रहा, तो मेरे पास एक और प्रोसेस है। क्या प्रोसेस होता है कि बाज दफा देखिए, यहां पर मैं बनाता हूँ साइड पे, कि ये ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन से क्या बन गया, -2, फिर क्या बन गया, H2O2, तो इससे क्या बन गया, HOCl, ये बैक्टीरिया की जाके किलिंग करता है, ठीक है। अब देखिए ये सारा प्रोसेस ऊपर वाला नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि NADPH नहीं बन रहा। तो क्या होता है कि बाज दफा नहीं, बल्कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो खुद से H2O2 बनाते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपनी बॉडी में क्या बनाते हैं, H2O2। अब वो कहता है कि आपका न्यूट्रोफिल कहता है हाँ जी मुझे तो मिल गया है, मैंने जिसको मारना है उसी ने मुझे पैसे दे दिए, मैं इससे पैसे लेके इन्हीं पैसों के हथियार लूंगा और इसी को ही मारूंगा। तो वो इसी H2O2 के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा अपना, माइलो पर ऑक्सीडेज। H2O2 कहाँ, क्योंकि H2O2 तो बन नहीं रहा इसका अपना, क्यों, क्योंकि HMP शंट काम नहीं कर रहा, HMP शंट काम नहीं कर रहा इसका अपना, वो सारा नहीं बन रहा। तो ये क्या करता है, H2O2 लेता है, किसका, बैक्टीरिया का, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कराता है, कौन सा, माइलो परऑक्सीडेज, तो उससे क्या बना देता है, HOCl, HOCl, ये HOCl बैक्टीरिया क्या कर देता है, किलिंग कर देता है,
ठीक है, बैक्टीरिया मर गया है, लेकिन लेकिन कुछ शाने से बैक्टीरिया आ गए हैं, कैटालेज, कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया आ गए, इनके पास ये एंजाइम था कैटालेज। हाँ, ये कहता है हाँ जी न्यूट्रोफिल जिसका खाते हो उसी को मारते हो, नमक हरामी करते हो, है तुमने मेरे से ही पैसे लिए और तुमने मुझे ही मार दिया। अब सारे जो है ना बैक्टीरिया मासूम नहीं होते, मैं मासूम नहीं हूं, तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं कैटालेज पॉजिटिव हूं। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कैटालेज, हाँ, इसके अंदर कैटालेज एंजाइम होगा। ये कैटालेज एंजाइम क्या करेगा कि इसका जो H2O2 बन रहा था उसको किस में चेंज कर देगा, नॉर्मल H2O में। कहते हैं हाँ जी अब तुम लेके दिखाओ जरा, अब तुम जरा इसको उठा के दिखाओ, जरा मेरे H2O2 को यूज करके दिखाओ और किलिंग करके दिखाओ। तो वो इसको नहीं उठा सकता, इसकी किलिंग नहीं कर सकता, तो इस तरह जो कैटालेज पॉजिटिव जो होते हैं बैक्टीरिया फिर उनका इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन उनका इन्फेक्शन किन को होगा? जिनमें HMPCENT काम नहीं कम कर रहा होगा, और HMPCENT यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, मैंने पीछे बताया उस डिजीज का नाम क्या है, CGD, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। क्यों? क्योंकि जब क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज होगी तो आपका NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा तो H2O नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया आम सा बैक्टीरिया है तो वो उसका H2O2 यूज करके उसकी किलिंग कर देगा। लेकिन अगर वो कैटलेज पॉजिटिव है तो वो फिर इसकी इसको खुद, ये देखिए वो खुद नॉर्मल बना रहा है ठीक है, और ये इसको ये नहीं बनने देगा तो उसकी किलिंग नहीं होगी ठीक है, तो उसको ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो जाती है। समझ आ गई ये चीज? पक्की बात है कि किस तरह फेगोलाइसोसोम में वो किलिंग करता है, अगर उसका अपना H2O2 ना हो तो वो बैक्टीरिया का किस तरह यूज करता है, CGD क्या होती है, उसके बाद कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह उसको करते होते हैं, ठीक है वो समझ आ गया। अब हमने HMPCENT में एक और चीज भी देखी है कि न्यूट्रलाइजेशन भी तो कराता होता है वो, ये जो H2O2 बना है, ये वाला जो H2O2 बना है, एक तो ये H2O2 इन पैथोजन की क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, H2O2 की किलिंग करने के अलावा दूसरा काम क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है कि अगर H2O2 अकुमुलेट्स कर जाए तो RBCs को इफेक्ट कर सकता है। तो हमने H2O2 को जब ज्यादा हो गया तो उसको इकट्ठा भी नहीं होने देना, इसकी न्यूट्रलाइजेशन करानी है। न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी कि आपका H2O2 चेंज हो जाएगा H2O में, एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा नंबर 4 पे, कौन सा है, कैटालेज, कैटालेज जो कि बैक्टीरिया के अंदर था, ये वाला जो कैटालेज एंजाइम था, ये H2O को किस में चेंज कर रहा है, H2O में। नहीं समझ आई ये बात? आगे समझ के देखें, देखिए ये H2O जो है ना H2O में चेंज होगा, एक तो हमारा वही एंजाइम था, कौन सा था, ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन हमने अभी ये कहा है कि कैटालेज पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी H2O2 को किस में चेंज कर देते हैं, वाटर में, ताकि मैं न्यूट्रलाइज कर लूं और ये मुझसे पैसे लेकर मेरी किलिंग ना कर सके ठीक है। तो कैटालेज भी इसी तरह काम करता है, और हमने अभी पढ़ा है ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज वो भी ऐसे ही काम करता है, तो आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या यूज होता है आपका, ग्लूटाथाइन की रिड्यूस्ड फॉर्म, ग्लूटाथाइन की रिड्यूस्ड फॉर्म यूज होती है, और वो क्या बन जाती है, ग्लूटाथाइन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। याद है, याद आ रहा है ये ग्लूटाथाइन की रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म? अच्छा, ग्लूटाथाइन की रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में फिर दोबारा कौन चेंज करता था, नंबर 5 कौन सा था, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज, याद करें एंजाइम, याद आ रहा है ग्लूटाथाइन रिडक्टेज। और ग्लूटाथाइन रिडक्टेज क्या यूज कर रहा था, NADPH फ्रॉम HMPCENT से, और क्या बना रहा था, NADP पॉजिटिव बना रहा था ठीक है। और ये HMPCENT से आपका NADPH कहां से बन रहा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर नंबर 6 एंजाइम एक्ट कर रहा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बना रहा था, आपका NADPH बना रहा था ठीक है। तो अगर इसको सीक्वेंस से देखें तो सीक्वेंस नीचे से बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के एंजाइम के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो एक तो ये बन जाएगा ठीक है, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, NADPH। अब इस NADPH को कौन यूज कर रहा था, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज, क्या बना रहा था, NADP पॉजिटिव बन रहा था, और ये आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म को किस में चेंज कर रहा था, रिड्यूस्ड फॉर्म में। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म को कौन यूज करता था, आपका नंबर 4 पे ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज इसको यूज करता था, और क्या बनाता था, H2O बनाता था H2O2 से। समझ आ गई ये बात? मैं इसको दोबारा रिपीट कर सकता हूं अगर समझ नहीं आई तो। आ गया समझ? Anyone having any question? समझ आ गई है? ये सारा प्रोसेस करके एक नॉर्मल
ये नॉर्मल, अगर आपको सीजीडी हो जाती है तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, उसमें आपका एचएमपी शंट काम नहीं कर रहा। हाँ ऑफ कोर्स, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगी, ये एचएमपी शंट नहीं काम करेगा, एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सीजीडी और ये एचएमपी शंट काम नहीं करेगा तो ये आपकी आरबीसीज, आरबीसीज की हीमोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है, एक बात वो, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, सीजीडी आपको हो जाएगी, ठीक है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो जाएगी। समझ आ गया? ये जरा कंफ्यूजिंग है, आगे पीछे करने वाला है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है। हो गया है, रिपीट करने की जरूरत है, अगर हो तो बता दे, हैं? मैं देख लूं कोई चीज रह ना गई हो, मेरे ख्याल सब कुछ हो गया, थोड़ा सा रहता है, आगे पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, अभी हम इसकी रीडिंग करते हैं, रीडिंग करें, रिस्पॉन्स करें। समझ आ गया? मुझे लग रहा है जैसे ये आपके ऊपर से गुजर गया हो। है इंजाइम है इसमें जो याद करने पड़ रहे हैं, ठीक है, इंजाइम याद करने आपने, ठीक है, वो आपने स्टोरी याद रखनी, जैसे मैंने बनाई के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस टू, इससे फिर एच टू ओ टू, तो ये वाली स्टोरी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इससे आपने एंजाइम याद रखने के, यहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा था और यहाँ पर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा था। चलें रेस्पिरेटरी बस्ट की रीडिंग करते हैं कि रेस्पिरेटरी बस्ट क्या होता है, ठीक है। देखें, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव बस्ट, इसको ऑक्सीडेटिव बस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है, ठीक है। इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट एंड डीपीएच ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव होता है, हमने वो सारा पढ़ा है एचएमपी शंट के जरिए। एग्जांपल्स हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्रोफेज, वो भी ऐसे ही करते हैं। व्हिच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एज ए सबस्ट्रेट, ये ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करते हैं, उसकी किलिंग करते हैं। रैपिड रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS, ROS, इसे बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। कौन कौन सी है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, H2O2 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, HOCl, ये जितने भी बने थे ये क्या थे, सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थी। NADPH प्ले अ रोल इन बोथ द क्रिएशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ROS, देखें ये ROS की क्रिएशन भी कर रहा है, ये देखें ये सारी बना रहा है, और उनकी न्यूट्रलाइजेशन भी कर रहा है, दोनों में जा रहा है, क्रिएट भी करता है पैथोजन को किल करने के लिए और उसको न्यूट्रल भी करता है ताकि ये नुकसान ना दे सके। उसके बाद माइलोपरऑक्सीडेज कंटेन्स अ ब्लू कलर, इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ब्लू सा होता है, हीम कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ये ब्लू कलर का, इसके अंदर हीम कंटेनिंग पिगमेंट होता है, दैट गिव्स अ स्पूटम इट्स कलर। ये जो अक्सर आपको जो है ना कभी कभी ब्लूइश रंग की आपकी जो है ना वो स्पूटम होती है, जो है ना ब्लूइश कलर की जरा सी आपको आ रहा होता है, उसी वजह से होता है कि आपका जो है ना ये आपका माइलोपरऑक्सीडेज एंजाइम ज्यादा क्रिएट हो रहा होता है। ये कहां पर होता था, मैलो, ये यहां पर आपका माइलोपरऑक्सीडेज एंजाइम जो है ना वो ज्यादा बनता है, ठीक है। फिर आपका HOCl, मतलब आपको इन्फेक्शन ज्यादा हुआ हुआ है, इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो ये मतलब ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बन के इसकी ज्यादा इसने किलिंग करनी है, तो इसीलिए आपको स्पुटम का जो कलर होता है वो ब्लूइश तरह का होता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, फेगोसाइटोसिस ऑफ पेशेंट्स विद सीजीडी कैन यूटिल, अगर पेशेंट को सीजीडी है मतलब उसका एचएमपी शंट नहीं काम कर रहा, ऊपर से उसका H2O या NADPH वो नहीं है, तो उसका ये नहीं बन रहा, उसका क्या नहीं बन रहा, उसका ये नहीं बन रहा, ये वाला सीन नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है, वो H2O2 यूटिलाइज करता है, जनरेटेड बाय इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने हमला किया उन्हीं का H2O2 यूज करेगा, एंड कन्वर्ट इट इनटू ROS, और ये उससे क्या बना देगा, ये आपका ROS, HOCl, ये चीजें उसकी बना देगा। पेशेंट्स आर इंक्रीज रिस्क फॉर इंफेक्शन, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं बाय कैटलाइज्ड पॉजिटिव स्पीशीज, अगर अब जो बैक्टीरिया है वो कैटलाइज्ड पॉजिटिव है तो सीजीडी के पेशेंट को रिस्क बढ़ जाएगा। कैसे, कि आपका एस्पेरियस और एस्परजिलस अगर बैक्टीरिया आ गए हैं तो वो कैटलाइज्ड पॉजिटिव है, कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग देयर ओन H2O2, अपनी ओन H2O2 को वो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, तो वो उसको यूज नहीं करने देंगे। लिविंग फेगोसाइट्स विदाउट ROS, क्या वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले से उसका अपना NADPH काम नहीं कर रहा था, अब जिसका काम जिससे वो ले रहा था वो भी होशियार हो गया है, वो कहता है हाँ नमक हरामी करते हो, मैं तुम्हें अब अपनी चीजें नहीं दूंगा। फॉर फाइटिंग इंफेक्शन, तो वो ये बेचारा अकेला रह जाता है, बेयारो मददगार रह जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, पायोसेनिड ऑफ एरोजिनोसा जनरेट ROS टू किल कंपीटिंग पैथोजेंस, देखें देखें ये क्या कह रहा है, वो कहता है आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है,
ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पायोसाइनिन टॉक्सिन, ठीक है। ये पायोसाइनिन टॉक्सिन बनाता है। अब ये पायोसाइनिन टॉक्सिन क्या करता है कि एक बंदा है उसके अंदर दो तीन किस्म के बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, दो तीन किस्म के। अब ये कौन सा था, ये वाला बैक्टीरिया था एरोजिनोसा। इसने क्या कहा कि मैं पायोसिनिन बना लेता हूँ, पायोसिनिन जाके इसको भी मार दो, इसको भी मार दो, जो दूसरे बैक्टीरिया आए हुए हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के, उनको क्या कर दो, किल कर दो। तो ये कंपटीशन, कंपिटिटिंग पैथोजेंस, यानी दो से तीन पैथोजेंस है तो बाकी पैथोजेंस को मार दो, सिर्फ मैं जो है ना इसमें बीमारी काज करूंगा, ठीक है। इसमें भी ये कंपटीशन, तो ये बनाता है अपना टॉक्सिन जो जाके दूसरों की किलिंग करता है। और कैसे किलिंग करता है, कैसे किलिंग करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएगा, जैसे ये बन रही है HOCl वगैरह बनाएगा, वो जाके उनकी क्या कर देगा, किलिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव बस्ट आल्सो लीड्स टू के पोटेशियम इनफ्लक्स व्हिच रिलीजेस लाइसोसोमल एंजाइम्स। वो कहता है जब ऑक्सीडेटिव बस्ट होती है, क्या होती है, जब ऑक्सीडेटिव बस्ट होती है तो आपके इस न्यूट्रोफिल्स के अंदर इनफ्लक्स होता है पोटेशियम का, किसका, इनफ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का। और जब भी पोटेशियम आयन इनफ्लक्स होते हैं तो आपके लाइसोसोम के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स पड़े होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पड़े होते हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, रिलीज, मतलब आपका पोटेशियम जो है ना आपके न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो पड़े होते हैं उसको क्या कराता है, रिलीज कराता है। जब वो रिलीज होंगे तो वही बोले कि थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको बोले रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इंक्लूड्स ऑल सेमेस्टर। नाउ गो टू फोर्थ फ्लोर ओके, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल गो मैम, वी आर इन रिकॉर्डिंग मैम, वी आर इन रिकॉर्डिंग मैम। ओके, व्हिच मीन्स 5 मिनट्स। तो कहां पे थे हम लोग, जब पोटाशियम यहां से अंदर दाखिल होता है तो जैसे ही पोटाशियम दाखिल होगा तो वो क्या कराता है, जो लाइसोसोम्स हैं उनके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनको रिलीज कर देगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब रिलीज होंगे वो आपके पैथोजेंस क्या क्या करेंगे, किलिंग करेंगे। तो ये बात समझ आ गई है, यहां पर वो ये वाली बात कर रहा था। उसके बाद लैक्टिफेरिन, लैक्टिफेरिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन सेक्रेटरी फ्लूइड्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये एक प्रोटीन है लैक्टिफेरिन प्रोटीन, जो कि आपके न्यूट्रोफिल्स में और आपके जो सेक्रेटरी जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। दैट इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ वाया एरनचिलेट्स। ये क्या करती है, बेसिकली सिंपल सा इसका फंक्शन है कि ये आपका कोई पैथोजन आ गया, उसका जो है ना उसके बीच में क्या पड़ा हुआ, एरन पड़ा हुआ था, उसका अपना एरन पड़ा हुआ था, किसका, पैथोजन बैक्टीरिया का। तो आपके न्यूट्रोफिल या जो सेक्रेटरी फ्लूइड्स है उनमें क्या है, आपकी लैक्टोफेरन प्रोटीन है। अब लैक्टोफेरन प्रोटीन क्या करेगी, आपकी लैक्टिन प्रोटीन प्रोटीन जाके इसको चिलेट कर देगी, क्या कर देगी, चिलेट। चिलेट का क्या मतलब होता है, मतलब इसको बाउंड कर देगी, इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी और इसको बाउंड कर देगी, और बाउंड करके इसको क्या बोलेगी कि आप बॉडी से बाहर रिलीज हो जाए, इसको बॉडी से बाहर क्या करा देती है, रिलीज करा देती है। तो जब आपके बैक्टीरिया की आयरन वगैरह नहीं होती तो वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है, तो इस तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती। ये कंसेप्ट समझ आया है, रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस कंसेप्ट को कि जब आपका बैक्टीरिया होता है ना तो बैक्टीरिया के अंदर आयरन वगैरह पड़ी होती है, ठीक है। तो आपका लैक्टोफेरन प्रोटीन आएगी जो न्यूट्रोफिल्स के अंदर है, ये अंदर जाएगी, इस आयरन को चिलेट कर देगी, मतलब इसको बाउंड कर देगी, इसके साथ जुड़ जाएगी। और बाउंड करके जैसे हम जाते हैं ना कि दो दोस्त कोई किसी के साथ लड़ रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, तो हम जाते हैं उसको ऐसे हग करते हैं साइड से, यार आ जा मेरी बात तो सुन, यार कुछ नहीं होता, क्या हो गया। तो ये उसको जाएगी साइड से ऐसे हग करेगी, जरा मेरी बात तो सुन, जरा साइड पे आके, और इसको साइड पे ले जाके दरवाजे पे जाके धक्का देके बाहर निकाल देगी, चल निकल। तो उसको वहां से वो पहले दोस्ती करके उसको कंधे के हाथ रख के ले आएगा, फिर उसको बॉडी से बाहर स्क्रीट कर देगा। जब एरन नहीं होगी तो आपकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। तो आई होप सो दैट कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि HMP शंट, रेस्पिरेटरी बर्स्ट या ये चीजें क्या होती है। समझ आ गया, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है? समझ आ गया, पक्की बात है। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।